हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक पेपर, और ये पेपर 6 अगस्त 2017 को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। देखिए, ये स्पॉटिंग एरर का पाथ है और इसमें एक क्वेश्चन दिया है जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है और इसमें आपको एरर निकालनी है। नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। देखिए, सेंटेंस का मतलब है कि यदि बहुत ज़्यादा पहले की हम बात नहीं करें तो, ये जो फ्रेज़ है, ये पर्टिकुलर फ्रेज़ है, इसका मतलब है यदि हम बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं करें तो लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर, मतलब लॉज एकमात्र प्लेस था यहाँ पर स्टे करने के लिए। ये सेंटेंस का मतलब है। और इसका जो करेक्ट यूसेज होता है, करेक्ट जो फ्रेज़ होता है, वो होता है इफ़ नॉट टू लॉन्ग अगो। ठीक है, इफ़ नॉट टू लॉन्ग अगो। हालांकि ये लिटरेचर में यूज़ होता है ये फ्रेज़, लेकिन एसएससी में ये पूछा गया है। तो ये जो फ्रेज़ है, आप जो फर्स्ट पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट, ये पार्ट इसमें रॉन्ग है और इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज एबल टू पुट पेन पेपर ओनली मच लेटर, मतलब बहुत बाद में पेन पेपर को कर पाया। एक्चुअली ये फ्रेज़ है एक, पुट पेन टू पेपर। पुट पेन टू पेपर का मतलब है कि पेपर के ऊपर कुछ लिखना शुरू करना। ठीक है, तो ही वॉज एबल टू पुट, यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है। पुट पेन टू पेपर, पुट पेन टू पेपर, यहाँ पर इसमें टू आना चाहिए, यानी आपका जो सेकेंड पार्ट है ये इसमें गलत है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि जो करेक्ट फ्रेज है वो है पुट पेन टू पेपर। आप नीचे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आई सेंस द ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सेंस का क्या अर्थ है? सेंस का अर्थ है किसी चीज़ को भांप लेना। ठीक है, किसी चीज़ का अंदाजा लगा लेना। आई सेंस्ड, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछें कि आई सेंस्ड, मैंने सेंस्ड किया, तो किस चीज़ को सेंस्ड किया, आई सेंस्ड वॉट, तो यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, क्योंकि वॉट का जो आंसर होता है वो नाउन होता है। ठीक है, आई सेंस्ड वॉट, और वॉट का जो आंसर होता है वो नाउन होता है। तो इसमें आपको नाउन फॉर्म चाहिए। तो नाउन फॉर्म कौन सी है? ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ब्यूटिफिकेशन भी एक्चुअली नाउन है, लेकिन जो ब्यूटिफिकेशन का अर्थ होता है एक्चुअली किसी चीज़ को सजाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? आई सेंस द ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मैंने उस आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी को सेंस किया। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन एक्चुअली डेकोरेशन के सेंस में आता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्यूटी। सेंस्ड वॉट, सेंस्ड ब्यूटी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द बीन्स आर टर्न टू अवॉइड बर्निंग, मतलब बीन्स को टर्न कर किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा ताकि बर्निंग ना हो। बीन्स आर टर्न टू अवॉइड बर्निंग, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? मतलब उनको लगातार या नियमित रूप से टर्न किया जाता है, रेगुलरली उनको टर्न किया जाता है, उनको पलटा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्ब चाहिए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ब दी है टर्नड, लेकिन टर्न को कैसे किया जाता है यहाँ पर उसको बताने के लिए आपको एक एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब है इसमें कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। The beans are constantly turned to avoid burning. ठीक है, ये एक पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। The beans are turned by someone to avoid burning. Beans को पलटा जाता है, जब पलटा जाता है तो किसी व्यक्ति के द्वारा उसको पलटा जाता है, यानी यहाँ पर एक एजेंट इन्वॉल्व हो गया जिसके द्वारा इस काम को किया जाता है। तो जब एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन होता है, और चूंकि यहाँ पर वर्ब दी है टर्नड, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एडवर्ब का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिमिलर वर्ड, सिनोनिम भी बोलते हैं इनको, ड्रिबल। क्या मतलब है इसका, ड्रिबल का? देखिए, ड्रिबल का अर्थ होता है नॉनसेंस टॉकिंग करना। ठीक है, तो नॉनसेंस का इक्विवेलेंट तो यहाँ पर दिया नहीं है, नॉनसेंस वर्ड यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन नॉनसेंस का इक्विवेलेंट वर्ड ब्लैदर होता है। तो ब्लैदर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जुडिशियस का क्या अर्थ है? जुडिशियस का अर्थ होता है बुद्धिमान या प्रूडेंट या केयरफुल या एस्ट्यूट। और सेन का क्या अर्थ है? सेन का अर्थ होता है सेंसिबल, जो रीजनेबल है, जो सही है, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल। कुछ और वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सिनोनिम और एंटोनिम भी दिए हैं इन वर्ड्स के।
जैसे ड्रिबल के सिनोनिम मैंने यहाँ पर दिए हैं प्रैटल और बेबल भी होगा, और एंटोनिम होगा इसका काम और हश। ठीक है, ये जो सिनोनिम और एंटोनिम हैं ये हैं आपके ड्रिबल के सिनोनिम और एंटोनिम। और जुडिशियस के मैंने कुछ सिनोनिम यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं सेंसिबल, कॉशस और एस्ट्यूट। तो इन वर्ड्स को भी याद रखिए, सारे ऑप्शंस मैं इन वीडियो क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो क्लास में इनडायरेक्टली आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। परसिवियरेंस का क्या अर्थ है? परसिवियरेंस का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा सहन करने की क्षमता होना, या इतना ज़्यादा काम करने की क्षमता होना, इतना ज़्यादा उसका डिटर्मिनेशन होना कि वो लगातार उस काम को करे। परसिवियरेंस का मतलब होता है लगातार किसी काम को करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं क्या होगा। कॉवर्डिस का अर्थ तो कायरता होता है, लेथार्जी का मतलब होता है आलस या लेजी, लेजीनेस, और इंडोलेंस भी लेजीनेस होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इंड्यूरेंस। इंड्यूरेंस होता है सहन करने की क्षमता, और परसिवियरेंस होता है लगातार काम करने की क्षमता। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में इंड्यूरेंस ही दिया है तो इसलिए इंड्यूरेंस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और यदि परसिवियरेंस के सिनोनिम देखे जाएँ तो टेनेसिटी और डिटर्मिनेशन यहाँ पर सिनोनिम होंगे, और स्टॉप और क्विट इसके एंटोनिम होंगे। और इंडोलेंस का अर्थ होता है लेजीनेस, और इंडोलेंट यदि बोलें तो उसका अर्थ होगा लेजी। हैजार्डस का क्या अर्थ है? हैजार्डस का यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड देखना है। हैजार्ड्स का अर्थ होता है खतरा या रिस्क, जैसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ठीक है, तो हैजार्डस का मतलब क्या होगा? पेरिलस और हैजार्डस सिनोनिम वर्ड हैं, क्योंकि पेरिल का मतलब भी रिस्क या खतरा होता है। तो हैजार्डस का जो सिनोनिम होगा वो पेरिलस होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिनोनिम नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड चाहिए। तो सिक्योर जो होगा वो यहाँ पर सेफ या सिक्योर वो होगा, वो अपोजिट होगा। डाइसी का क्या अर्थ है? डाइसी जैसे जैसे शतरंज में एक डाइस होता है, ठीक है, तो उसको यदि आप चलते हैं, उससे आप खेलते हैं, तो कोई सा भी पार्ट ऊपर आ सकता है। मतलब इसका मतलब होता है कि अनस्टेबल होना या अनप्रिडिक्टेबल होना। डाइसी का अर्थ है अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। और प्री कैरियस का क्या अर्थ है? प्री कैरियस का अर्थ है बहुत ही ज़्यादा शेकी या अनस्टेबल या क्रिटिकल, जैसे प्री कैरियस कंडीशन होती है, ठीक है। तो डाइसी एक अच्छा वर्ड है जिसका अर्थ है रिस्की या अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पर मैंने नीचे वर्ड भी दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं आराम से। एडवोकेसी, एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट आपके किसी काम को सपोर्ट करता है। तो एडवोकेसी यदि आप नहीं करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप उसको करते हैं डिस्करेज। तो एडवोकेसी चूंकि नाउन है इसलिए डिस्करेजमेंट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बैकिंग का अर्थ भी सपोर्ट करना होता है, एडवांसमेंट का अर्थ होता है आगे जाना, और असिस्टेंस का अर्थ है सहयोग करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इडियम देखते हैं, पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई अपोजिशन आता है या कोई डिसओबीडियंस आता है या कोई विपत्ति जब आती है, तो उस समय एक दृढ़ निश्चित रहना, एक फर्म स्टेप लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी when faced with opposition or disobedience। एक दृढ़ निश्चित रहना, एक फर्म पॉलिसी को अपनाना कि मैं करूँगा तो इसी काम को करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, या मैं ऐसा ही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो put one's foot down का मतलब होता है adopt a firm policy, एक मजबूत पॉलिसी का सहारा लेना। तो यहाँ पर आपका सी जो होगा वो सही आंसर होगा। whistle in the dark, विसल इन द डार्क का क्या अर्थ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इडियम है, और विसल इन द डार्क का अर्थ है कि आपको डर लग रहा है लेकिन आप बहाना बना रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है। प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, ठीक है, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड इसका सही आंसर होगा, विसल इन द डार्क। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू अटेम्प्ट टू समन अप वंस करेज, अपने साहस को इकट्ठा करना, हालांकि आपको डर लग रहा है लेकिन आप बहाना बना रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विसल इन द डार्क, ठीक है। एक ये एडियम भी पूछा जाता है विसल इन द विंड, और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज विसल इन द विंड, यू मीन दैट दे आर ट्राइंग अनसक्सेसफुली टू चेंज समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड। विसल इन द विंड का मतलब है कि ऐसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करना जो चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी एडियम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एडियम है, और इसको आप एक्स्ट्रा में देख सकते हैं, हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है लेकिन आगामी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा सकता है, विसल इन द विंड।
यहां से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन आपका शुरू होता है. आई एम ऑलवेज वंडर्ड वॉट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड चॉकलेट फैक्ट्री. सेंटेंस का मतलब क्या है? वॉट इट वुड बी लाइक, जैसे हम बोलते हैं वॉट इट वुड बी लाइक, मतलब ऐसा करना कैसा लगता है. जैसे यदि मैं बोलूं कि वॉट इट वुड बी लाइक टू फ्लाई अ काइट, मतलब पतंग उड़ाना कैसा लगता है, मतलब ये इसका एक्सपीरियंस जो रहता है वो कैसा रहता है. वॉट इट वुड बी लाइक टू ड्राइव अ कार, ठीक है. और यहाँ पर एक फ्रेज आया है आई वंडर, तो चूंकि यहां पर वंडर्ड दिया है इसलिए यहां पर हम बोलेंगे आई हैव ऑलवेज वंडर्ड. हैव आएगा फिर ऑलवेज बीच में आएगा और उसके बाद वंडर्ड आएगा. आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, चूंकि यहां पर थर्ड फॉर्म है वर्ब की इसलिए हम बोलेंगे आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, ठीक है. इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? यदि आप बोलें आई वंडर इफ, आई वंडर वेदर, ठीक है, इसके बाद हम इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम देख लेते हैं. अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन फॉर समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन. यदि आप किसी व्यक्ति से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं या कोई फेवर आप लेना चाहते हैं, तो आई वंडर जो है एक पोलाइट तरीका है कहने का, एक विनम्र तरीका है किसी व्यक्ति से कुछ रिक्वेस्ट करने का. जैसे कि आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आई वंडर्ड इफ यू कुड पॉसिबली लेंड मी सम मनी, ये पास टेंस में है एक्चुअली. आई वॉज वंडरिंग वेदर यू वुड लाइक टू कम टू द थिएटर विद मी, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि क्या आप मेरे साथ थिएटर तक आएंगे, ठीक है. आई वंडर इफ यू वुड डू मी अ फेवर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपसे पोलाइटली पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे एक फेवर देंगे, क्या आप मेरा एक काम करेंगे. तो ये इसका मतलब होता है इस फ्रेज का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेकेंड पार्ट देखते हैं. दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर मॉनसून. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. और ये चीज़ ध्यान रखिए कि जीके और इंग्लिश में एसएससी में, हालांकि मैथ और रीजनिंग में भी ये बात सही है कि 70% जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होंगे, ट्रिकी नहीं होंगे. ट्रिकी जो क्वेश्चन होंगे वो 30% क्वेश्चन होंगे और आपका जो सिलेक्शन होगा वो ट्रिकी क्वेश्चन के बेस्ड पर ही होगा कि नंबर ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन आपने कितने किए हैं. तो 70 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही सरल होंगे, या बहुत ही सरल नहीं तो आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं उनको, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उन पर आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक जो है वो डिपेंड करेगी. तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, लोडेड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न्ड यानी ईडी फॉर्म का प्रयोग करेंगे. सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. लूप होल्स यानी कमियां या खराबियां, किसी चीज की कमियां या खराबियां, तो लूप होल्स की सही स्पेलिंग इसमें फर्स्ट वाला जो वर्ड है ये इसकी सही स्पेलिंग है. ये एक नया वर्ड है और इसका अर्थ होता है वेयर फोर. इसका अर्थ एक्चुअली वेयर नहीं होता, इसका अर्थ होता है वाई, और इसकी सही स्पेलिंग होगी डब्ल्यू एच ई आर ई एफ ओ आर ई, वेयर फोर, ठीक है. तो वेयर फोर का जो अर्थ है वो यहां पर देख सकते हैं आप, इसका मतलब होता है वाई या फॉर वॉट रीजन, ये इसका मतलब होता है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये कुछ क्वेश्चन हैं. डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, किसी चीज की कीमत कम हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेप्रिशिएट या डेप्रिशिएशन. एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ना, ऑगमेंट का भी बढ़ना होता है, इन तीनों का ही अर्थ होता है कीमत में या स्टेटस में बढ़ना. तो डेप्रिशिएट यहां पर आपका सही आंसर होगा. और एक ये नया वर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है एग्रेंटाइज, इसका मतलब भी होता है इंक्रीज द पावर स्टेटस और वेल्थ ऑफ समथिंग. नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इसका क्या आंसर होगा? नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इसका सही आंसर होगा स्टराइल. इसके दो मीनिंग होते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके. और इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग हम देख लेते हैं, तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होंगे. एक तो होता है फेकंड जिसका अर्थ होता है प्रोडक्टिव, एक होता है ग्रेविड जिसका अर्थ होता है प्रेग्नेंट या फुल ऑफ एग्स, और एक होता है हेबेटिक जिसका अर्थ होता है पर्टेनिंग टू और अकरिंग इन पॉवर्टी, मतलब जब एक व्यक्ति की युवा अवस्था यानी उसकी जवानी जब स्टार्ट होती है तो उससे संबंधित कोई चीज़ होती है. बायोलॉजी का एक टर्म है हेबेटिक, उसको हम बोलते हैं. ग्रेविड का अर्थ होता है प्रेग्नेंट या फुल ऑफ एग्स, जैसे फिश होती है, ठीक है, वो फुल ऑफ एग्स, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं. और फेकेंड का अर्थ होता है प्रोडक्टिव. स्टराइट के एक्चुअली दो मीनिंग हैं. एक तो मीनिंग है इसका होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इसको पूरा पढ़ सकते हैं. और एक मीनिंग इसका होता है
नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग, दो इसके मीनिंग होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैंने बताए हैं, उनको भी आप इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यह है पैराजम्बल, और ये अलग तरीके का एक पैराजम्बल है, एक पार्ट ऊपर दिया है और बाकी पार्ट को आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये जो पार्ट दिया है, इस पार्ट के साथ इन पार्ट्स को आपको अरेंज करना है, और एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन क्या होगा वही आपका आंसर इसमें होगा। ही डज नॉट मीन एक वर्ब है, तो इसके बाद हम आप टू जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्ब के बाद वर्ब जुड़ती है, ठीक है। तो ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट द रिलेशन, रिलेशन के बाद आप इट जोड़ सकते हैं क्योंकि रिलेशन के बाद वैन तो जुड़ेगा नहीं, तो रिलेशन के बाद इट जुड़ जाएगा। ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कैजुअल। ही डज नॉट मीन, ये हो जाएगा फर्स्ट, टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज, ये हो जाएगा सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वाई जेड और एक्स, बी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, नॉट ओनली पीपुल हैव बाइंग, देखिए एक होती है परचेजिंग पावर है और उसको हम बोलते हैं बाइंग कैपेसिटी, तो बाइंग के साथ कैपेसिटी वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हेयर आर ऑल्सो क्वाइट कंसर्न अबाउट, दे आर कंसर्न अबाउट वॉट, दे आर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल एंड एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, वाई जेड और एक्स, इसमें भी वाई जेड एक्स आपका आंसर होगा, ठीक है। लॉजिकली आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, और लॉजिकली आप कनेक्ट करते हैं तो आप मुझे लगता है कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और ये तो सिंपल आते हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से सेंटेंस ये स्टार्ट होगा, और सेंटेंस ये स्टार्ट होगा इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि डायरेक्टर इसमें सब्जेक्ट है, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गिव इसमें मेन वर्ब है, और यू इसमें ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रक्शन भी ऑब्जेक्ट है, यू एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंस्ट्रक्शन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यू से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें यू का ऑप्शन ही नहीं दिया है। इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, या यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द डायरेक्टर, यदि यू का ऑप्शन दिया है कि यू विल बी गिवन, या हालांकि यहाँ पर यू विल गेट का दिया है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है और ये भी एक्टिव वॉइस है, तो चूंकि यू का इसमें पैसिव वॉइस नहीं दिया, एक्चुअली इस सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं, एक यू से बन सकता है और एक इंस्ट्रक्शन से बन सकता है, तो यू वाला जो बनेगा वो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए आपका सही आंसर होगा इसमें बी, इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर। ये नरेशन का एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू सो सैड, शी आस्क्ड मनोज, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक इसमें ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ये है आपका रिपोर्टिंग पार्ट, ये है आपका रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग पार्ट का ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, और इस पार्ट को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, तो इसलिए इसमें शी आस्क्ड मनोज हम बोलेंगे, सी आस्क्ड नहीं होगा, सी हैज आस्क्ड नहीं होगा, शी आस्क्ड मनोज, और यहाँ पर आएगा मनोज के स्थान पर, मनोज को हम चेंज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी यू के हिसाब से, मतलब ये यू के स्थान पर मनोज का इक्विवेलेंट आएगा, और मनोज का इक्विवेलेंट प्रोनाउन जो होगा वो होगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो यहाँ पर सही आंसर होगा शी आस्क्ड मनोज व्हाट मेड हिम सो सैड, ठीक है। शी आस्क्ड मनोज व्हाट मेक्स हिम नहीं होगा, व्हाट मेड, क्योंकि पास्ट में है ये, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये होगा आपका सी वाला, ये इसका सही आंसर आपका होगा। ये है एक पैसेज, और इस पैसेज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट ए बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट और एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ ड्वार्फ स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नासा है और दूसरे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो पृथ्वी से आगे लाइफ को खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हमें और कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम लाइफ को बसा सकें, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अलावा हम दूसरी जगह किसी पृथ्वी को ढूंढ सकें और वहाँ पर लाइफ को हम कर सकें।
तो इसीलिए इस ये जो क्वेस्ट है, ये जो खोज चल रही है, इसको एक बड़ा बूस्ट मिला है। द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट अ बिग बूस्ट, मतलब इसको एक बूस्ट मिला है किस चीज के साथ? विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स। ये एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स खोजे गए हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सो प्लैनेट्स, और ऑर्बिटिंग ए ड्वार्फ स्टार, एक ड्वार्फ स्टार है उसके आसपास ये घूम रहे हैं। अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे, और पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष ये दूर हैं। ठीक है, लाइट ईयर जो है एक डिस्टेंस की एक यूनिट है। ठीक है, इसमें हम इनकी इनकी जो डिस्टेंस होती है सोलर ऑब्जेक्ट्स की, इसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। अनलाइक अर्लियर डिस्कवरीज ऑफ एक्सो प्लानेट्स ऑल 7 प्लानेट्स कुड पॉसिबली हैव लिक्विड वाटर। देखिए, लाइफ के लिए लिक्विड वाटर होना जरूरी है, और इसमें वैज्ञानिकों ने ये खोज की है कि एक्सो प्लानेट्स पर, सारे 7 जो प्लानेट हैं उस पर लिक्विड वाटर हो सकता है, जो कि अ की टू लाइफ, जो कि जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, एज वी नो इट ऑन अर्थ विथ 3 प्लानेट्स हैविंग द ग्रेटेस्ट चांस, मतलब इसमें इन 7 प्लानेट्स में से जो 3 प्लानेट्स हैं उसमें वहाँ पर पानी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। दिस इज़ बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लानेट इन द हैबिटेबल गोल्डी लॉक्स जोन ऑफ ए स्टार। देखिए, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन ऐसा एक जोन होता है जहाँ पर जो स्टार मिलेगा, इस लोकेशन पर, गोल्डी लॉक जोन में जो स्टार मिलेगा वो हैबिटेबल हो सकता है, क्योंकि वो ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, इसलिए वहाँ पर पानी होने की संभावना हो सकती है। उसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। नीदर टू क्लोज नॉर टू फार फ्रॉम स्टार, स्टार से जो ना ज़्यादा स्टार से एक ऐसा प्लानेट ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, उसको हम बोलेंगे गोल्डी लॉक जोन, विच रेजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बींग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस। क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो पानी उड़ जाएगा, और ज़्यादा ठंडा होगा तो बर्फ़ हो जाएगी वहाँ पर, तो इसलिए गोल्डी लॉक जोन के जो प्लैनेट्स हैं वहां पर लाइफ हो सकती है। यहां से पढ़ते हैं, ओनली अर्थ हैज लिक्विड वाटर इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में केवल अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लिक्विड वाटर है, और चूंकि इस पर लिक्विड वाटर है इसलिए यहां पर लाइफ है। सिंस द ड्वार्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, ड्वार्फ स्टार जो है वो सन से ठंडा है, द डिमिंग ऑफ लाइट ईच टाइम ए प्लैनेट पासिस और ट्रांजिट्स बिफोर द स्टार कुड बी इजीली रिकॉर्डेड फ्रॉम अर्थ अनलाइक इन केसेस व्हेन प्लैनेट ट्रांजिट इज सनलाइक ब्राइट स्टार। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अर्थ से यदि प्लैनेट की एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करें, तो यदि वो स्टार के पास है तो उसको आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सन के पास है यदि वो होगा तो उसकी गर्मी की वजह से वो रिकॉर्डिंग जो होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 प्लैनेट वॉज मेड यूजिंग चिली बेस्ड ट्रांजिटिंग प्लैनेट एंड प्लैनेटिसिमल स्मॉल टेलीस्कोप, मतलब इसका जो इनिशियल डिस्कवरी हुई थी जो 3 प्लैनेट की, वो चिली एक देश है वहाँ पर एक टेलीस्कोप है उसकी मदद से की गई थी, और इसका नाम है ट्रैपिस्ट। अब यदि आपने ये समझ लिया है पूरा पैसेज, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। द टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट इज इन विच कंट्री, चिली में है ये, इसका आंसर होगा चिली। वॉट इज इसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन ए प्लानेट, एक प्लानेट पर जीवन होने के लिए क्या जरूरी है? पॉसिबिलिटी या प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉट इज द गोल्डी लॉक्स जोन, गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन होता है द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए प्लानेट फ्रॉम इट्स स्टार टू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग लिक्विड वाटर, एक प्लानेट की एक स्टार से करेक्ट दूरी ताकि वहां पर लिक्विड वाटर मिल सके, उसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। वॉट मेड इट इजियर टू रिकॉर्ड द पैसेज ऑफ द प्लानेट इन फ्रंट ऑफ द स्टार, किस चीज ने प्लानेट की रिकॉर्डिंग को सरल बना दिया? इसका आंसर होगा द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड कूलर देन अवर सन, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। और यहाँ देखते हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर, केवल एक, क्योंकि पृथ्वी पर ही केवल पानी है और किसी जगह पानी नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। और ये था SSC CGL 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर, ये सेट 4 है,
ये 6 अगस्त 2017 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो इस वीडियो क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपका फीडबैक है तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, और कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।